बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर्दियों में हाथों और पाँव को नरम मुलायम खूबसूरत बनाने का, हाथों और पाँव की रंगत निखारने का, पाँव की एड़ियों को साफ़ करने का ज़बरदस्त इलाज, इसको आप ज़रूर आज़माएं, घर में खुद तैयार करें। आपको तरीका बताने जा रही हूँ और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके पाँव खूबसूरत, नरम मुलायम और गोरे गोरे हो जाएंगे। नाज़रीन, सर्दियों में हाथों और पाँव की जिल्द खुश्क और सांवली हो जाती है। सर्दियों में हाथों और पाँव को बहुत ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत होती है, क्यों अगर इनकी हिफाजत ना की जाए तो हाथों पर मैल जम जाती है, पाँव की एड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, इनकी जिल्द खुश्क और सांवली होती चली जाती है, हत्ता के पाँव की उंगलियाँ भी सूज जाती हैं। इसलिए अगर सर्दियों में इनकी मालिश की जाए वक्तन फवक्तन, तो उंगलियाँ नहीं सूजेंगी सर्दी की वजह से। नाज़रीन, ये जो इलाज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत अच्छा इलाज है, इसको आप ज़रूर आजमाएं। ये कुदरती इलाज है, इससे पाँव की जिल्द भी नरम मुलायम रहेगी, पाँव की एड़ियाँ भी साफ़ सुथरी रहेंगी, पाँव की उंगलियाँ भी नहीं सूजेंगी और हाथों की जिल्द भी नरम मुलायम हो जाएगी, हाथों से मैल भी साफ हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने करना ये है कि एक अदद अंडे की जर्दी लेनी है, इसमें आधा कप रोगन बादाम मिक्स कर लें। एक अदद अंडे की जर्दी, आधा कप बादाम रोगन, इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसमें 2 चम्मच अरके गुलाब भी मिक्स कर लें, साथ एक अदद लीमू का रस भी मिक्स कर लें। एक अदद अंडे की जर्दी, आधा कप बादाम रोगन, 2 चम्मच अरके गुलाब और एक अदद लीमू का रस। इन अज्जा को एक शीशी में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर इसका मिक्सचर बना लें और फिर सुबह और शाम इस लेप को या इस क्रीम को अपने हाथों और पाँव पर लगाएं, 5 मिनट तक इसका मसाज करें और फिर साफ पानी से धो लें। इंशाल्लाह आपके हाथ और पाँव पर मौजूद स्याह दाग धब्बे भी गायब हो जाएंगे, जिल्द की रंगत भी हमरंग हो जाएगी। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाज़रीन, ये आप किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों और पाँव की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये टोटका बहुत आजमाया जा रहा है, बहुत अच्छा टोटका है। इस टोटके के जरिए आप अपने हाथों और पैरों की रंगत आसानी से निखार सकती हैं। बाजार की मस्नूई क्रीमें जो हमारे चेहरे के लिए भी नुकसानदेह होती हैं और अपने हाथों और पैरों के लिए भी नुकसानदेह होती हैं, ये क्रीम या ये तरीका इलाज या ये लोशन घर में खुद तैयार करें देसी तरीके से, और इसके इस्तेमाल से आपके हाथों और पाँव की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी, उंगलियों पर से स्याह दाग धब्बे भी साफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।